आपने आप सबका सीपीआरएम स्कीम कॉन्ट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर स्कीम में आपका पैसा कटा 40,000 रुपए। आज जो जनरल मजदूर आया उसका 1,000 प्रति माह कट रहा है, सबका 40,000 कट के जमा हो गया है, किसी का 2-3 महीने एक्स्ट्रा भी काट लिया है, जनरल मजदूरों को पता भी नहीं, आप अप्लीकेशन कर दीजिएगा। 40,000 रुपए प्रति माह, 40,000 रुपए पर पर्सन पर इम्प्लॉय काटा गया, लगभग 3,025 करोड़ के ऊपर जमा हुआ है कंपनी के पास, मगर कंपनी ने प्राथमिकता जमा किया 3,025 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, कितना कमेंट कितना जमा किया सिर्फ 625 करोड़, बाकी का 2,043 करोड़ कहा गया साथियों, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, 2,043 करोड़ कहा गया, ये आपका कटा हुआ पैसा है, कंपनी ने मेडिकल सुविधा के लिए आपके लिए जमा कराया पैसा और उसमें 2,043 करोड़ गायब, उसका हिसाब ही नहीं है, ट्रस्ट में जमा ही नहीं किया, वो पैसा गया कहा, कंपनी ने कहा खर्च किया, ये हिसाब कौन मांगेगा, वर्कर मांगेगा, वर्कर ही मांगेगा ना, मैनेजमेंट को देना चाहिए इसका हिसाब, पैसा कहा गया, इतना पैसा वर्कर का पैसा है, एक तो जबरदस्ती स्कीम लागू कर दी है, रिटायरमेंट आदमी को यहाँ पे बोलते हैं कि आपको हम 8 लाख तक का बीमा देंगे, 8 लाख तक का खर्च करेंगे, जो कंपनी में आज ड्यूटी कर रहा उसकी मेडिकल सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे उसको वेलफेयर सुविधा नहीं मिल रही है, आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हो, एक तो जबरदस्ती पैसा भी काट लिया, जमा भी कर लिया और इलाज भी नहीं दे रहे, आज रिटायर साथी को पूछिएगा, वो जाता है एडमिट होता है पैसा भरता है पूरा जेब का, 3 लाख बिल बना तो उसको 1 लाख रुपये देते हैं, 3 लाख बिल बनेगा 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपये कहा गया, आपने स्कीम जब बनाए तब आपने बोला क्या सीचे से बैठ के उस हम उसका पैसा देंगे, बोला भी होगा तो क्या होता है, काटने का एक सीमा होता है ना, 3 लाख में से आप 2 लाख काट लोगे 1 लाख दोगे तो आदमी को मिला क्या, मिला क्या, अगर वो 40,000 आज मैं, मेरी 30 साल शरीर बची हुई है, अगर आज मैं 40,000 डाल दूँ 30 साल के मुझे कितना पैसा मिलेगा, कुछ ब्याज जोड़ के दबल टिबल तो होगा, जितना मेरा इलाज नहीं कर सकती कंपनी, तो मेरी काटने की जरूरत नहीं थी, वैसे हमारे जो कंपनी आज ड्यूटी कर रहे उनकी भी काटने की जरूरत नहीं थी, ये हमारा मुद्दा है साथी।